और पहुंचने के बाद सीधे वो मंदिर की तरफ आएंगे, ऑल ट्रेन व्हीकल या फिर पैदल वो वहाँ तक मंदिर तक पहुँचेंगे, और उसके बाद जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम होगा वो शुरू होगा। आधे घंटे की पूजा का कार्यक्रम रखा गया है। ओंकारेश्वर शुक्ला जो यहाँ पर धर्माधिकारी है और महावीर तिवारी दो पुरोहित हैं जो इस काम के लिए जिनको जिम्मेदारी दी गई है, दोनों ही पुरोहित कल से उन्होंने तैयारी की है। जो सामग्री लाई गई है, बाघम्बर एक वस्त्र जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा केदार को भेंट करेंगे, और उसी वस्त्र को बाद में प्रधानमंत्री को भेंट किया जाएगा पुरोहित की तरफ से। उसके अलावा दही दूध घी से जो केदार स्वयंभू शिवलिंग है उनका स्नान होगा, प्रधानमंत्री मोदी उस पूजा में शामिल होंगे। और पूजा अर्चना के बाद लगभग करीब 25 से 30 मिनट का समय पूजा अर्चना के लिए रखा गया है, और उसके बाद सीधे वो बाहर निकलकर शंकराचार्य की समाधि जो बिल्कुल मंदिर के पीछे के इलाके में बनाई गई है वहाँ पर वो पहुँचेंगे। समाधि का काम लगभग पूरा है, उसे जो बनाने का काम था लगभग 3 साल से चल रहा था, और अभी यह चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए लाया गया था। एक और चित्रा मैं दिखाना चाहूँगा, एक और जी Mi-17 हेलीकॉप्टर अब केदारपुरी की तरफ बढ़ रहा है। ये प्रधानमंत्री का ही हेलीकॉप्टर है जिसमें प रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, और ये इससे पहले एक हेलीकॉप्टर उतरा था, ये दूसरा हेलीकॉप्टर है Mi-17 जिसमें ये VIP हेलीकॉप्टर है जो कि प्रधानमंत्री की यात्रा में इस्तेमाल होता है। देहरादून जॉली ग्रांट से इसने उड़ान भरी है और अब ये लैंड करने वाला है केदारनाथ धाम के पीछे। जो VIP हेलीकॉप्टर बनाया हेलीपैड बनाया गया है वहाँ पर ये उतरेगा, और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे। उससे पहले उनके साथ के जो अधिकारी हैं, जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े लोग हैं, सुरक्षा ठीक है, कर्मी संजय हैं, शर्मा वो भी हमारे साथ इसमें जुड़ चुके उतरे हैं। हैं। संजय तो संजय, अब आप कुछ तस्वीरें प्रधानमंत्री दिखा रहे थे, एक कहा जा रहा है ये खास हेलीकॉप्टर जो PM इसमें हो सकते हैं, और यकीनन वहां पर तमाम नेताओं के भी पहुंचने का सिलसिला जारी है। संजय जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, सारे नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है और वो हेलीकॉप्टर यहां पर लैंड कर रहा है। जब तक प्रधानमंत्री उतरते हैं, आपने एक प्रश्न किया था कि केदारनाथ के महत्व के बारे में, मैं बस यही बताना चाहूंगा कि पांडव जब अपने पितृ हत्या, गुरु हत्या और ब्रह्म हत्या के शाप से उन्हें लगा कि इससे मुक्ति पानी चाहिए, प्रायश्चित करना चाहते थे, तो उनसे कहा गया कि वो शिव की आराधना करें और शिव ही उन्हें मुक्ति दे सकते हैं, लेकिन शिव उनको दर्शन देने को तैयार नहीं थे, लिहाजा वो गुप्त काशी में साधना में लीन हो गए शिव, इसलिए उसको गुप्त काशी कहा जाता है क्योंकि भगवान शिव ने वहां पर गुप्त आराधना थी। उसके बाद जब पांडवों को यह पता चल गया कि यहीं से शिव यहां हैं, शिव वहां से निकल चुके थे और एक जानवर का यानी नंदी के रूप में शिव वहां से चले और गायों के एक झुंड में और जो जानवरों का झुंड था उसमें शामिल हो गए। लेकिन केदार की एक धरती को संस्कृत में केदार कहा जाता है, दलदली जमीन को, आप यहां आए तो इतने जल स्रोत हैं कि केदार की धरती अभी भी दलदली है और यही वजह है कि यहां पर इस तरह की आपदाएं आती रहती हैं। तो इसलिए जब केदार की धरती में जब वहां पर पांडव उनके पीछे आए, भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी, लेकिन तब तक भगवान शिव नंदी रूप में वो दलदली भूमि में समाने लग गए, और दलदली भूमि में समाने के बावजूद साहित्य का जो श्लेष अलंकार है उसमें केदार के कई मतलब होते हैं, तो इसलिए एक मतलब ये है कि दलदली भूमि, और उससे फिर जैसे वहां समाहित हुए तो पांडवों के मन में बड़ा क्लेश हुआ कि अब हमारा क्या होगा, हमें शाप से विमुक्ति कैसे मिलेगी। तो भगवान शिव ने आकाशवाणी करके उनको बताया कि मैं तुम्हारी साधना से, तुम्हारे डेडिकेशन से बहुत प्रसन्न हूं, लिहाजा तुम लोग इसी रूप में हमारी पूजा करो और हम तुम्हें यहां से मुक्ति देते हैं। और यहीं से फिर वो आगे जो रास्ता जाता है वो स्वर्गारोहिणी की तरफ जाता है, और पांडव ने वो यहां से फिर स्वर्गारोहिणी की तरफ यहां से प्रस्थान किया। और दूसरी एक बात बताऊं, जगत गुरु शंकराचार्य ने यहीं केदारनाथ मंदिर के पीछे अपने अंतिम पांच सूत्रों का उपदेश किया अपने शिष्यों को, और इसके बाद जगत गुरु यहीं से, यहां उन्होंने आखिरी बार समाधि लगाई और इसके बाद वो यहां दिखे नहीं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वो ऊपर ब्रह्म गुफा में चले गए थे और वहां पर फिर दूसरे दिन जब लोगों ने देखा, उनकी खोज की, तो वहां पर कुछ फूल मिले, यानी ये कहा जाता है कि जगत गुरु शंकराचार्य सशरीर शिवलोक को गमन किया उन्होंने। तो ये शंकराचार्य जी की समाधि, ये तो पुनर्निर्माण हुआ है, शंकराचार्य जी की समाधि मंदिर से पीछे, यानी मंदिर से पीछे इस तरफ
मैं जब 2000 में यहाँ आया था पहली बार, तो वहां पर एक चबूतरा था, चबूतरे के ऊपर एक शेड था, चौकोर 15x15 का चबूतरा था, बीच में शंकराचार्य जी की प्रतिमा थी। उसके बाद जब मैं आया तो वहां पर एक उनका दंड, जो दंडी स्वामी अपना दंड लेकर चलते हैं, वो दंड भी साथ में था, लेकिन 2013 की आपदा में वो सारी चीजें बिल्कुल विनष्ट हो गई थी और ऐसा लगा कि जगतगुरु शंकराचार्य की समाधि भी समाधि में लीन हो गई। और अब जो पुनर्निर्माण हुआ है, अब ये बनाया गया है समाधि की, जैसा कि पहले भी हमने अपने दर्शकों को बताया था कि वहां की दीवारों को ऐसे टेक्नोलॉजी से युक्त किया गया है। पीएम मोदी पहुंचे या अभी कुछ वक्त है, मंजीत इसके बारे में जानकारी देंगे। संजय मैं फौरन आ रही हूँ। मंजीत चित्रा, ऐसी जानकारी मिल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, जो दूसरा हेलीकॉप्टर था उसमें प्रधानमंत्री मौजूद है, एक और हेलीकॉप्टर जो पहले पहुंचा था उसमें प्रधानमंत्री के जो अधिकारी हैं साथ में वो पहुंचे हैं, और थोड़ी देर बाद जो हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री को लेकर पहुंचा है उससे प्रधानमंत्री जो हेलीपैड के पास रेस्ट रूम बनाया गया है वहां पर उतरने के बाद वहां पर पहुंचेंगे। इसके साथ ही जो राज्य के तमाम मंत्री हैं, अधिकारी हैं और विधायक हैं, वो भी उन लोगों को हेलीपैड पर वो मौजूद है, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वो सभी लोग वहाँ पर लाइनों में खड़े हैं और प्रधानमंत्री का स्वागत करने के बाद प्रधानमंत्री सीधे मंदिर की तरफ आगे बढ़ेंगे। उन तस्वीरों का हमें इंतजार है, पीएम जब सीधे आगे बढ़ेंगे। ये 5 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, पहले 4 बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदार नगरी पहुंचे और आज उनके हेलीकॉप्टर की तस्वीर आप देख रहे हैं। 5 नवंबर 2021 का ये खास मौका, कल बाबा केदारनाथ के कपाट बंद होने वाले हैं, उसके ठीक पहले आप देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा अपने आप में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। वैसे आपको बताते चले कि जिस केदारनाथ के दर्शन वो करने जा रहे हैं, पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडव वंशी जन्मेजय ने करवाया था और स्वयंभू शिवलिंग यहां पर अति प्राचीन। और ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अगर वो तस्वीरें दोबारा दिखा पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाएं संजय, बीच में मैंने रोका था, केदारनाथ पहुंचे हैं प्रधानमंत्री और पीएम रहते हुए उनका ये 5वां दौरा है और आज खासतौर से निगाहें इस बात पर भी जाकर टिकती हैं क्योंकि 3 महीने के बाद उत्तराखंड में इलेक्शन है और आज पीएम मोदी की ओर से यहां पर अपने संबोधन में एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी की जाएगी। संजय जी हाँ, प्रधानमंत्री यहाँ पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री हर बार अपने एक्ट से लोगों को चौंकाते हैं। पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री यहाँ आए थे उस समय हम सारे लोग आगे ही थे, उस समय प्रशासन इतना ये नहीं था कि रिपोर्टर और मीडिया को बिल्कुल पीछे ठेल दे, उस समय हम वहां थे और हमें लगा था ऑल टेरेन व्हीकल से प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सेना के एक ट्रक से आए और वो ड्राइवर की सीट की तरफ से उतरे तो हमें लगा कि हो सकता है कि वो ट्रक चलाकर आए हों, क्योंकि जब आदमी अगर दूसरी सीट पर बैठता है तो दूसरी तरफ से वो नीचे उतरते हैं, लेकिन वो ड्राइवर की तरफ से नीचे उतरे थे। इस बार भी प्रधानमंत्री यहां पहुंचने वाले हैं और किस तरह से पहुंचेंगे ये अपने आप में देखने लायक चीज होगी। और इसके साथ ही जो उनका यहां मुख्यमंत्री के रूप में जिस समय आपदा आई थी, मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री ने इन्होंने ये कहा था गुजरात के तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि वो यहां का पुनर्विकास करना चाहते हैं, लेकिन तब की यूपीए सरकार ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी थी। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सारे ड्रीम प्रोजेक्ट अपने धीरे धीरे पूरे कर रहे हैं, चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इसके साथ ही यहां जिस भयंकर आपदा आई थी उस समय वो दिव्य शिला कहां से यहां तक पहुंची, इतने सारे अवधानों को पार करके और वो वहां मंदिर के पीछे बिल्कुल एकदम सेट जहां मंदिर की 4 दीवारी है, मंदिर की दीवारें हैं उसके पीछे आई और जो सैलाब था, जो जल प्रलय था, वो 2 हिस्सों में बट गया और मंदिर पर उसका प्रभाव, उसका प्रेशर नहीं पड़ पाया जिसकी वजह से मंदिर बचा। लेकिन अभी विकास योजनाएं यहां चल रही हैं, उसको लेकर कई तरह की चीजें हैं, लोगों के पर्यावरणविदों के मन में थोड़ी सी आशंका रहती है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये विकास कार्य यहां पर होंगे और केदार घाटी से आगे भी जो केदार नगरी है, केदारपुरी है, उससे आगे विकास हो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यहां पर जितना लोगों का अतिक्रमण, लोगों का आना जाना सिर्फ लिमिटेड सीमित संख्या में हो, वो पर्यावरण के लिए ज्यादा अनुकूल है। कई पर्यावरणविदों ने कहा है कि ये दिन रात हेलीकॉप्टर्स की आवाजाही इससे भी यहाँ के पर्यावरण पे, यहाँ के पहाड़ों की मजबूती पर असर पड़ता है, लेकिन वो सारे ये सारा सोचना पर्यावरणविदों का काम है, सरकार का काम है, हमारा काम है लोगों को बताना, रिपोर्टर को आईने की तरह होना चाहिए, जो दिखे उसे दिखलाए।